गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 में कंप्यूटर के PYQs के बारे में। अगर आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए 7, 8, 9, 10 की जो PYQs हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कंप्यूटर के। ओके, तो आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के PYQs को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कंप्यूटर का। जैसे कि हम लोग बात करें, डैश आपको किसी भी जगह से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, इंटरकनेक्टर, बीब मेड इंटरफेस, मदरबोर्ड या फिर बेब बी ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेब मेल इंटरफेस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, नेटवर्किंग के बारे में अध्ययन करते समय स्नैक शब्द के बारे में पता चलता है। स्नैक क्या दर्शाता है? वाइल स्टडिंग अबाउट नेटवर्किंग बी में कैम टू नो अबाउट द टर्म स्नैक, व्हाट डज स्नैक रिप्रेजेंट? सिलेक्शन एक्नॉलेजमेंट, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सुप्रीम रिक्वेस्ट या फिर सप्रेस्ड डेटा। तो क्या आ जाएगा? सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्नैक रिप्रेजेंट करता है सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को। निम्नलिखित टर्मिनलों में से कौन सा जटिल सूची उपबिक्री कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स आर ऑफ्टन कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एंड सेल्स कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, क्वेरी, पॉइंट ऑफ सेल, एक्नॉलेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट ऑफ सेल। जो जटिल सूची उपबिक्री कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है, पॉइंट ऑफ सेल। संबंधित रिकॉर्ड वाले डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक को डैश कहा जाता है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन रिलेटेड रिकॉर्ड आर कॉल्ड, क्वेरी, इंफॉर्मेशन टेबल या फिर डेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्या, टेबल, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेबल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम, कोरी, स्क्वेसा या फिर टाइटन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, परम 8000। What does GIF stand for? तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट पर परस्पर जुड़ी सेवाएं हैं? Which one of the following is a service interconnected over the internet? Web page, www, web server या website? B is the correct answer, www. डैश मुख्य रूप से एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, इथरनेट का, VPN का, POP का या FTP का। तो इथरनेट इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व में किसी की भी द्वारा संशोधित और वितरित किया जा सकता है? लिनक्स का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, MacOS या फिर सोलेरिस का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व में किसी के भी द्वारा संशोधित और वितरित किया सकता है? लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डीप फ्रैगमेंट, बैकअप सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेब ब्राउजर। फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फॉरसाइट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रेवर्स या फिर फॉर्मूला फॉर्मेट ट्रीवर्स या फिर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। भारत में कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी क्या है? NCC, CREST, ICERT या फिर NCSC। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ICERT। एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो एक अनसस्पेक्टिंग यूजर प्रोसेस कीबोर्ड को मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है। रॉकेट, स्पाईवेयर, एडवेयर या फिर किलोगर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, किलोगर। डैश कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था है, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, हब। तो क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर क्या, टोपोलॉजी। तो गाइस आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कंप्यूटर के PYQs के बारे में। आप लोगों को कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।